हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर, जो 3 मार्च को जो कोर्ट का जो रिजल्ट आने वाला था उसमें क्या आया, उसको प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं सोचा कि इसकी कॉपी के साथ मैं आपको बताऊं, ठीक है, प्रूफ के साथ बताऊं। ठीक है गाइज, तो पिटीशन जो दायर किया था अल्पसंख्यक शिक्षा विकास समिति, शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज, अलीगढ़ यूनानी और आयुर्वेद कॉलेज और ब्रिजभाषी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इन्होंने किया था पिटीशन। ठीक है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है इसको मैं आप समअप करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, बच्चों को सिर्फ रिजल्ट जानने की ज़रूरत होती है कि इसमें रिजल्ट क्या कहा गया। ठीक है, इसमें बहुत सारा रेफरेंस दिया गया बच्चों, जो पिटीशन दायर किया था उनके तरफ के जो वकील थे, रंजीत रंजन सिंह सर थे और भी लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पिटीशन की चीज़ों को बहुत क्लियरिफाई किया, बहुत सारा रेफरेंस दिया, बीएससी नर्सिंग का और अदर कोर्सेज का, पिछले साल का भी रेफरेंस दिया गया। ठीक है, और लेकिन कोर्ट की तरफ से जो भी जजमेंटल की तरफ से जो भी है, जो महाराष्ट्र का भी रेफरेंस दिया गया था कि बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज में और 12th के परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी एडमिशन दिया गया, तो उस समय और कई सारा रेफरेंस 2020 और 21 का भी दिया गया है कि पिछले साल कटअप को रिड्यूस किया गया था उसके, और जो कोर्ट के तरफ से था उन्होंने जो मिनिमम पर्सनल क्रिटेरिया पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो SSC 115 जो थी 2022, उसका रेफरेंस दिया। ठीक है, कई सारे जजमेंटल दिया। इसकी कॉपी की जो लिंक है, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बच्चों, तो वो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, और मैं आपको जो फाइनल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, ये देखिए, ये जो रेगुलेशन है यहाँ से पढ़िए, रेगुलेशन 2022 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट एज इट प्रोवाइड दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट नीट होता है एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो भी होता है एकेडमिक ईयर शैल बी कंडक्टेड बाई अथॉरिटी डिजाइंड बाई NCISM जो जो अथॉरिटी डिजाइन करता है वो। इट शैल बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम 50% इन नीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हेल्ड इन एकेडमिक ईयर, हर साल एडमिशन के लिए 50% मार्क्स चाहिए, वो डिजाइन करता है NCISM। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, दस क्लियर इट इज ए डोमेन टू अथॉरिटी टू फिक्स द क्रिटेरिया एंड मिनिमम क्रिटेरिया इज फिक्स एंड वाई एन एक्सपर्ट बॉडी टू गेट सुटेबल कैंडिडेट एंड दिस कोर्ट इज नॉट एन एक्सपर्ट बॉडी। जो कोर्ट ने क्या कहा कि हम कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, ये डिजाइन करता है NCISM, तो NCISM के पास ही राइट्स है इस कट ऑफ परसेंटाइल को कम करने का। देयरफॉर मिनिमम क्रिटेरिया कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई दिस कोर्ट, यानी ये कोर्ट जो है एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, इसीलिए ये जो कटअप को या जो क्रिटेरिया उसको कम करने का राइट्स हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमारी कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, एक्सपर्ट बॉडी आपकी NCISM है, तो कटअप को कौन कम करेगा, NCISM करेगा। ये सारा डिस्कशन के बाद जो ये जो प्ली थी, जो ये जो जो पिटीशन दायर किया गया था, इस पिटीशन को आपको रिजेक्ट डिसमिस कर दिया गया है, नो ऑर्डर टू कॉस्ट, और पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और ये देखिए ऑर्डर डेट आपका 3 मार्च 2023 है। ठीक है बच्चों, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और तब तक के लिए बच्चों आप एक काम करो, जो नीट की तैयारी करते हो नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए, 2 महीने बचे हुए हैं तो नीट की तैयारी कीजिए, अगर कोई भी अपडेट आती है कटअप से रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।